एक गांव में बिरजू नाम का आदमी रहता था। वो अक्सर लोगों का सामान चुरा लेता और अगर सड़क पर कुछ पड़ा हो तो बिना कुछ सोचे समझे उठा लेता था। एक दिन, अरे वाह, ये सड़क पर चमकता हुआ क्या पड़ा हुआ है? अरे वाह, ये तो सोने का सिक्का है। बिरजू, तेरी किस्मत भी बहुत अच्छी है। चलो ये लेकर चलता हूँ और अपनी बीवी को दिखाता हूँ। ये सब एक चुड़ैल ऊपर से देख रही होती है। अरे वाह, क्या लालची आदमी है, क्यों ना इसी को फंसा लूं। उधर बिरजू सोने का सिक्का लेकर अपनी बीवी बसंती के पास पहुंचता है। अरे बसंती, कहाँ है तू? देख, तेरे लिए मैं क्या लाया। क्या लाए हो? अरे वाह, ये तो वाकई सोने का सिक्का है जी। लेकिन तुम्हें ये कहाँ मिला? ऐसे ही तुम रास्ते से कुछ भी उठा लेते हो, देखना एक दिन मुश्किल में पड़ जाओगे। यार, तुमसे तो बात करना बेकार है। कुछ भी हो, तुम्हें उसमें बुराई ही नजर आती है, कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के बिरजू गुस्से में घर से निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे लेटे लेटे सोचता है। अरे यार, क्या जिंदगी है। बीवी को तो हर काम में बुराई ही नजर आती है, इससे अच्छा तो शादी ही नहीं करता। एक शोले की बसंती थी और एक मेरी, वारे जिंदगी। चलो अब घर तो जाना ही पड़ेगा। फिर बिरजू घर जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में से एक चमचमाती हुई चप्पल दिखती है। अरे वाह बेटा, क्या किस्मत है तेरी, वाह मजा ही आ गया। ये सोने की चप्पल तो लाखों की होगी। बिरजू वो चप्पल उठा लेता है और पहन कर देखने लगता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे नाप की है। बिरजू जैसे ही वो चप्पल पहनता है उसकी शक्ल बदलने लगती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। अरे अरे मैया रे, ये क्या हो गया, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी वहाँ से गांव वाला जा रहा होता है। अरे बिरजू, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन बिरजू कोई जवाब नहीं देता। लगता है बसंती भाभी ने तुम्हें धन्नो बना के घर से बाहर निकाल दिया। बहुत हंसी आ रही है, अब हंस बे। ऐसा कह के बिरजू गांव वाले की गर्दन पकड़ लेता है। अरे मर गया रे, बचाओ। अरे बिरजू भाई, मुझे नीचे उतारो, आगे से कभी मजाक नहीं करूँगा। नीचे उतारो, अबे अब तो तू ऊपर ही जा। ऐसा कह के बिरजू गांव वाले को मार देता है। फिर वो चुड़ैल आकर उस लाश को खाने लगती है। भूख लगी थी, मजा किया। बिरजू, तू ऐसे ही लोगों को मार। मेरे तो खाने का जुगाड़ बढ़िया हो गया, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि लोगों को कौन मार रहा है। फिर बिरजू को जो भी रास्ते में मिलता है वो उसे मार कर फेंकता जाता है और चुड़ैल उसे खाती जाती है। ऐसे ही सुबह होते ही वो ठीक हो जाता है और बिरजू अपने घर पहुंचता है। वहाँ बसंती उसका इंतजार कर रही होती है। कहाँ थी रात भर? मैं यहाँ पागल हूँ जो तुम्हारा इंतजार करती रही। अरे पगली, ये देख। अरे ये क्या? हाँ, ये तो सोने की लगती है। ये आपको कहाँ मिल गई जी? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है, भला ऐसे रास्ते में कौन सोने की चप्पल छोड़ेगा। आप इसे गांव के मुखिया को दे आओ। अरे पागल हो गई है क्या? पता भी है ये कितने की होगी? तुझे और खुद को बेच दूंगा ना, तब भी ये नहीं खरीद पाऊंगा, मुखिया को दे दूं। चल जा, खाना लगा। फिर रात होते ही बसंती सो जाती है और बिरजू फिर से उन चप्पलों को पहनता है और उसे पहनते ही उस पर वो भूत का साया दोबारा आ जाता है और वो घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलते ही उसे उसका पड़ोसी मुन्ना देख लेता है और उसके पास आता है। अरे बिरजू भाई, क्या बात है, तुम्हारी आंखें क्यों लाल है भाई? भाभी से लड़ाई हो गई क्या? कल भी घर में नहीं थे या नई भाभी का चक्कर है क्या? हाँ चल, तू भी मेरे साथ, तुझे भी मिलवाता हूँ तेरी नई भाभी से। भाई क्यों नहीं, चल। फिर बिरजू उसे जंगल में ले जाता है और उसे उठाकर पटक देता है। आई मेरी कमाई,
अबे मनहूस, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे मर गया रे, मुझे क्यों मार रहा है ससुरी के? फिर बिरजू पूरा भूत बन जाता है और वो चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। शाबाश बिरजू, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब तुझे मरना होगा मुन्ना, यही है तेरी नई भाभी। फिर बिरजू मुन्ना को मार देता है और चुड़ैल मुन्ना की लाश को भी खा जाती है। जाओ अब बिरजू घर जाओ और ये चप्पल उतार कर सो जाओ। बिरजू ऐसा ही करता है और वापस अपने कमरे में आके सो जाता है। अगली सुबह गांव वालों को मुन्ना की आधी खाई लाश मिलती है। अरे बाप रे, ये तो मुन्ना है, इसको किसने इतनी बेरहमी से मारा? गांव वाले ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां बसंती आ जाती है। बसंती बहन, मुन्ना को किसी ने मार दिया, तुम्हें नहीं पता? नहीं भैया, रात में मेरी आंख लग गई थी। उसके बाद गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन बसंती सोचती है, बिरजू उस दिन सारी रात घर से बाहर था, कहीं इन सब के पीछे मेरे पति तो नहीं? क्या पता इन्हें कोई लालच देके लोगों को मरवा रहा हो। उसी रात बिरजू फिर उठता है और वो चप्पल पहन के बाहर निकलता है, लेकिन इस बार बसंती उसका पीछा करने लगती है। अरे मर गई रे, हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, ये नास मिटा तो भूत बन गया, मतलब इस चप्पल में ही कुछ गड़बड़ है, अब मैं क्या करूं। इसके बाद बिरजू फिर से जाता है और एक आदमी को मारकर जंगल में फेंक आता है और वापस घर जाके सो जाता है, लेकिन बसंती डर के मारे घर के बाहर ही बैठी रहती है। अगले दिन सुबह बसंती की सहेली उषा उसे देखती है और पूछती है, अरे बसंती बहन, क्या हुआ, ऐसे घर के बाहर क्यों बैठी हो? बसंती उसे सारी बात बताती है। उषा बड़ी हैरान होती है। अरे बसंती बहन, ये बात तो हमें गांव वालों को बतानी पड़ेगी और बिरजू भैया को भी इस जाल से निकालना पड़ेगा। मैं अभी जाती हूँ और गांव वालों को लेके आती हूँ। ऐसा कह के उषा वहाँ से चली जाती है और बसंती डरते डरते घर के अंदर जाती है। अंदर बिरजू बिल्कुल सामान्य होकर बैठा होता है और उसने चप्पल नहीं पहनी होती। अरे बसंती, ऐसे क्या देख रही हो, आज तो बहुत ही कमाल लग रही हो, जरा हमारे पास भी बैठ जाओ। अजी आप कुछ खा लीजिए, अब मैं खाना लाती हूँ। फिर रात हो जाती है और उषा सब गांव वालों को लेकर बिरजू के घर के बाहर इकट्ठा हो जाती है और बिरजू रात होते ही फिर से चप्पल पहनता है और भूत बनने लगता है और घर से बाहर आता और गांव वालों को देखकर चौंक जाता है। आओ गांव वालों, आओ, मुझसे लड़ने आए हो, आओ, आज तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। तभी उषा का पति मैकू बोलता है, सुन बे भूत के बोले है मारी मौत, अबे बिरजू ने छोड़ दे, ना ते तेरे गोड्डे काट लूंगा। मैं ना डरूं, रुक तुझे बताता हूँ। ऐसा कह के बिरजू उषा की तरफ भागता है, लेकिन मैकू बिरजू को धक्का दे देता है जिससे कि बिरजू की चप्पल उसके पैर से निकल जाती है। रवा के चप्पल से गणी चमके भाई, कति मजा आ गया से, इबते मैं भी पहनूंगा इसने। ऐसा कह के मैकू वो चप्पल पहन लेता है और चप्पल पहनते ही मैकू के ऊपर वो भूतिया साया चढ़ने लगता है। अरे यो के हो रहा से, घना दर्द हो रहा से, अरे उषा मन्ने बचा ले। तब तक बिरजू को होश आ जाता है और वो मैकू को भूत बनते देखता है। अरे बाप रे, इस भूतिया चप्पल का असर तो मैकू पर हो गया, अरे मैकू को बांध दो, नहीं तो ये सबको मार देगा। गांव वाले जल्दी से मैकू को बांध देते हैं और गांव के बाहर नदी के किनारे लेके चले जाते हैं। अरे भाइयों, ये समय डरने का नहीं है, पहले इसके पैर से चप्पल निकालनी होगी, फिर ये ठीक हो जाएगा।
अरे ओ मूर्ख गांव वालों, ये क्या कर रहे हो? मेरा खेल मत बिगाड़ो, फिर से भूखी नहीं मरना चाहती। ये चप्पलें बहुत कीमती हैं। लाओ लाओ लाओ, मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब गांव वाले डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अरे मूर्ख रे, भागो यहां से, ये चुड़ैल कहां से आ गई? अरे लगता है ये भूतिया चप्पल इसी की है। अरे मर गया रे। अरे भाया, ये चुड़ैल कित से आ गई? ईब मैं के करूं, ये के हो रहा है? मारा तो दिमाग खराब हो गया से, कुछ ना समझ आ रहा से। नहीं भाई, ये चुड़ैल ही सब मुसीबतों की जड़ है, इसी ने मुझे ये नकली सोने की चप्पल का लालच दे के फंसा लिया। फिर बिरजू की पत्नी बसंती वहाँ मशाल लेकर आ जाती है और उस चप्पल को जला देती है। जैसे ही चप्पल जल जाती है, वो चुड़ैल भी जलने लगती है और बिरजू उसे जलाकर नदी में फेंक देता है।